शिकायत है कि मतलब मेडिकल पहले जैसा रहे और ग्रुप डी में डेढ़ गुना जो मेडिकल में ज्यादा था स्टूडेंट डेढ़ गुना जाए और 20 गुना रिजल्ट दें एनटीपीसी के। अगर ईडब्ल्यूएस नया मान्य करता है तो हम लोग नहीं किए हैं तो या तो नया मान्य मतलब नोटिफिकेशन के अनुसार सब कुछ किया जाए और नहीं तो हम लोगों को भी मौका दिया जाए, नहीं तो नोटिफिकेशन के अनुसार होता है तो सबसे बड़ी। ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 है उसे हटाया जाए और मेडिकल स्टैंडर्ड जो पहले जैसा ही किया जाए। हमें पूरा रेलवे भर्ती बोर्ड में विश्वास है कि एक कमेटी पूरा न्याय करेगी। हम सब यहाँ महेंद्र आए हुए इसीलिए आए हुए हैं जो ग्रुप डी है उसका एग्जाम जल्दी हो या तो फिर एनटीपीसी हो उसका जो रिजल्ट जो दिया गया फिर सुधार किया जाए। एग्जाम जैसे एसएससी बीपीएससी हो यूपीएससी उसका कैलेंडर आता है उसी तरह हमारा रेलवे का भी कैलेंडर हो और जो भी अब अगर कैटेगरी में वैकेंसी खाली है उसको तुरंत भर्ती कर दिया जाए। तो हम यही चाहते हैं कि मेरा भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसमें इंक्लूड करने का ऑप्शन दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में विवाद को लेकर रेलवे के द्वारा एक जाँच कमेटी का गठन किया गया और 16 फरवरी तक छात्रों को कहा गया है कि जो भी अपनी शिकायतें हैं आपत्ति हैं सुझाव हैं वो आप या तो कमेटी के ईमेल आईडी पर जमा कीजिए या फिर जितने भी आरआरबीज हैं वहाँ पर आप जाके लिखित में दे सकते हैं, वो सभी जांच कमेटी को दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पटना का ये महेंद्रू घाट का जो इलाका है आरआरबी पटना, वहाँ पर कितने बड़े संख्या में छात्र जो हैं वो आए हुए हैं देने के लिए अपनी शिकायत और दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं कि हमें आपके परीक्षा प्रणाली से क्या क्या शिकायतें हैं जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का रिजल्ट नहीं हो पाया और यही परिणाम रहा कि छात्र आंदोलित हुए और बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन भी हुआ। आपको बता दें कि आज ही एक दिल्ली से उच्च स्तरीय टीम आई है जो कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी, शहरों में जाएगी जहाँ पर बवाल हुआ विवाद हुआ उसकी जाँच करेगी। इसके साथ ही साथ आपको बताएँ कि रेल मंत्री कल एक इंटरव्यू में कहें कि लगभग 1,00,000 से अधिक छात्रों ने अभी ही अपनी शिकायतों को दर्ज करा दिया है। तो यहाँ पर आए हुए हैं छात्र, इन्हीं से हम बात करेंगे कुछ छात्रों से कि क्या क्या उनकी मांगे हैं और किस चीज़ के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हुए हैं आप? हाँ, पटना से आए हैं। पटना से? पटना से। क्या है शिकायत आपका? शिकायत है कि मतलब मेडिकल पहले जैसा रहे और ग्रुप डी में डेढ़ गुना जो मेडिकल में ज्यादा था स्टूडेंट डेढ़ गुना जाए और 20 गुना रिजल्ट दें एनटीपीसी के। अच्छा, 20 गुना रिजल्ट एनटीपीसी का दिया जाए। आप कहाँ से आए हुए हैं? सर छपरा से। छपरा से। क्या है आपका शिकायत? सर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए, मेरा 8-3 साल में कमजोर हो गया है। तो भाई 8-3 साल में कमजोर हो गया जी, उसके लिए पोस्ट परीक्षा पद्धति को लेकर क्या आपका ये है? सर कि जो पहले था वैसे कर दे ठीक रहेगा, 20 गुना दे तो ठीक रहेगा जी, 20 गुना दे दे। आप कहाँ से आए हुए? मधुबनी से। मधुबनी से आए हुए हैं, क्या है आपकी आपत्ति शिकायत क्या? सर ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम है मेरा, इसमें जैसे पहले जब आया था फॉर्म का नोटिफिकेशन उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा था हमारे यहाँ और उसमें कुछ लड़का है जो यस कर दिया था और हम लोग ने नो किया था। अच्छा। और अभी जो है सो करंट का ईडब्ल्यूएस मान कर रहा है तो हम यही चाहते हैं कि मेरा भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसमें इंक्लूड करने का ऑप्शन दे। ऑप्शन दे। आप कहाँ से आए हैं? छपरा से आए हैं सर। क्या है शिकायत आपकी? सर अगर ईडब्ल्यूएस नया मान्य करता है तो हम लोग नहीं किए हैं तो या तो नया मान्य मतलब नोटिफिकेशन के अनुसार सब कुछ किया जाए और नहीं तो हम लोगों को भी मौका दिया जाए, नहीं तो नोटिफिकेशन के अनुसार होता है तो सबसे बढ़िया। आप कहाँ से आए हुए हैं? पटना से ही है। पटना से। क्या है शिकायत आपका? शिकायत यही है कि जो पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है उसको कॉमन कट ऑफ दिया जाए, जो पहले जो हुआ था 2016 में एनटीपीसी में उस तरह से, और ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 है उसे हटाया जाए और मेडिकल स्टैंडर्ड जो पहले जैसा ही किया जाए, पहले जैसा ही और एग्जाम कैलेंडर दिया जाए जो भी है टाइम टू टाइम वैकेंसी और एग्जाम, ये पूरा प्रोसेस किस टाइम में होगा ये सारा चीज़ डिटेल्स होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। कि लड़का जो है टाइम से अपना तैयारी करेगा, जिसको होना होगा आगे अपना देखेगा, ये सारी चीज़ों को लेकर। कितना विश्वास है कि कमेटी जो है न्याय करेगी? हमें पूरा रेलवे भर्ती बोर्ड पर विश्वास है कि एक कमेटी पूरा न्याय करेगी। हम सब यहाँ महेंद्र आए हुए इसीलिए आए हुए हैं जो ग्रुप डी है उसका एग्जाम जल्दी हो या तो फिर जो एनटीपीसी हो उसका जो रिजल्ट जो दिया गया फिर सुधार किया जाए। एग्जाम जैसे एसएससी बीपीएससी हो यूपीएससी उसका कैलेंडर आता है उसी तरह हमारा रेलवे का भी कैलेंडर हो और जो भी अब अगर कैटेगरी में वैकेंसी खाली है उसको तुरंत भर्ती कर दिया जाए, जल्द ही जल्द हम सबको ज्वाइनिंग तक पहुँचाया जाए। क्या कहना है आपका? जी एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर मूल रूप से जारी होना चाहिए और उसके बाद फिर जो मेडिकल स्टैंडर्ड था पुराने पहले जैसा था उसी को करना चाहिए और 20 गुना जो रिजल्ट दिया देने का जो मंत्री जी वादा किए हैं वो होना चाहिए। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं?
जी मैं पटना में रहता हूँ, खगड़िया का हूँ। अच्छा जी, जो आरआरबी एनटीपीसी में जो दिया गया CBT1 में लेवल वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ, जिसके कारण एक ही कैंडिडेट हर एक लेवल में क्वालिफाई हो गए हैं, जिसके कारण और सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं। तो ये लेवल वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ जो दिया गया उसको रिमूव करके जो 20 times वैकेंसी का दिया जाए, जिससे 7 lakh कैंडिडेट्स में आ सके। कितना विश्वास है कि रेलवे आप लोगों की बातों को मानोगी, मानेगी, जांच कमेटी न्याय कर पाएगी? यस सर, रेलवे पे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। जैसे हम लोगों ने ये अपना अधिकार मांगा है कि हाँ CBT मतलब ग्रुप डी से केवल एक एग्जाम होना चाहिए और इस एग्जाम दोबारा एग्जाम CBT2 ना हो। और हमारा जो कैटेगरी प्रॉब्लम है एक EWS का और एक होता है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा कैटेगरी ST और OBC लेकर है, लोहार डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन OBC हमें मानता है रेलवे सेंट्रल और बिहार हमें ST मानता है। तो इसमें हमारा बहुत सा रिजल्ट हुआ, स्टूडेंट लोग को भी होल्ड पर डाल दिया गया है। अच्छा, तो हमारी ये कैटेगरी प्रॉब्लम है। यस, आप कहाँ से आए हुए हैं? कटिहार से आए हुए हैं। कटिहार से क्या है आप? हम लोग का जो है लेवल वाइज रिजल्ट दे दिया है, तो किसी में रिजल्ट हुआ है किसी में नहीं हुआ है, तो हम लोग यही के लिए आए यहाँ पे हैं। क्या विश्वास है कि रेलवे को? पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी बात क्यों रखेंगे सर, और यही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो छात्र जो हैं वो हजारों की संख्या में पहुँचे हुए हैं। पटना RRB का ये कार्यालय है महेंद्रू घाट, और यहाँ पर अपनी शिकायतों को दर्ज करा रहे हैं, और इन्हें इनका कहना है कि हमें पूरा विश्वास है कि रेलवे जो है वो देर आएगी, दुरुस्त आएगी और हमारे साथ न्याय जरूर करेगी। तो देखने वाली बात है, और शिकायत जो है वो हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं, लाइन लगा हुआ है छात्रों का दर्ज कराने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।